टीवी सीरियल अनुपमा के 2 जनवरी 2024 के एपिसोड में आखिरकार पाखी की वापसी हो गई है, क्योंकि शो में यह किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुस्कान बाम ने सीरियल को छोड़ दिया था, इसलिए पिछले कुछ वक्त में वो धारावाहिक में नजर नहीं आई थी। अब उनकी जगह नई एक्ट्रेस यह किरदार निभाती नजर आएंगी। चलिए जानते हैं कि सीरियल में इस नई पाखी की वापसी पर पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। पाखी की शाह निवास में वापसी के साथ ही घर वालों के साथ बदतमीजी और फिर काव्या के उसको दिए गए करारे जवाब की क्लिप शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, अनुपमा का गुणगान उस महिला ने किया जो अब भी उस घर में अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। शाह हाउस अनुपमा के बिना नहीं चल पाएगा, चाहे कितना ही डिम्पल अनुपमा बनने की कोशिश कर ले। नई पाखी की तस्वीर शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, पाखी ने डिम्पल को अनुपमा से कंपेयर किया जो कि बहुत घटिया हरकत थी। उसने अपनी माँ से बस इतना ही सीखा है कॉफी कैसे ऑर्डर की जाती है, बाप से सीखा है बेशर्म कैसे हुआ जाता है और स्वार्थी कैसे बना जा सकता है। डिम्पल ने पाखी की बेटी को संभालने वाली क्लिप शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। हम सभी ने यह कहा है कि वनराज डिम्पल को अब नई अनुपमा बनाने की कोशिश कर रहा है और वह कामयाब भी रहा है। कितने शर्म की बात है कि डिम्पल जो हमेशा किंजल पर चिल्लाती थी कि वह अपनी च्वाइस से दूसरी अनुपमा बनी है, वो अब खुद शाहनिवास में अनुपमा 2.0 बन रही है। इस नई पाखी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।